कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। लोहा बाजार के बारे में अगर बात करी जाए अगर TMT सरिये के बारे में, तो बाजारों में पूरे हफ्ते की तेजी के बाद आज के दिन वीकेंड के दिन ऊपरी स्तर से प्रॉफिट बुकिंग की वजह से नरमी दर्ज करी गई है, गिरावट दर्ज करी गई है। TMT सरिये में कुछ ब्रांडेड कंपनी में गिरावट आने के बाद किस तरह की कीमतें चल रही हैं, इस बारे में हम लोग खबरों में आगे बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। तो TMT सरिये में जा रहेंगे मंडी गोविंदगढ़ की कुछ ब्रांडेड कंपनी में आज की कीमतों के बारे में, साथ ही देखेंगे इंगट और स्क्रैप में किस तरह के कारोबार और ट्रेंड बाजारों में देखा जा रहा है। मगर उससे पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को प्रेस जरूर कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग कीमतों के बारे में जान लेते हैं। तो इस पूरे हफ्ते जो तेजी देखी गई है उस पर वीकेंड वाले दिन आज के दिन विराम लगा है और बाजारों में ऊपर स्तर से प्रॉफिट बुकिंग आने की वजह से नरमी के साथ आप कारोबार देखकर चल सकते हैं। सबसे पहले कीमतों के बारे में बात कर लेते हैं। तो भारतम कंपनी का जो रेट चल रहा है वो 56,200 रुपए देखा जा रहा है। कामधेनु कंपनी कीमतें आप 63,301 रुपए बाजारों में देखकर चल सकते हैं। K2 कंपनी कीमतें बाजारों में 62,331 रुपए देखी जा रही हैं। ज्योति कंपनी का रेट TMT सरिये में बाजारों में आप 61,612 रुपए देखकर चल सकते हैं। फॉर्च्यून कंपनी की जो कीमतें चल रही हैं वो 64,199 रुपए देखी जा रही हैं। प्रबल कंपनी का रेट 62,801 रुपए बाजारों में चल रहा है। दुआबा कंपनी कीमतें बाजारों में 67,100 रुपए देखी जा रही हैं। दीपक कंपनी का जो रेट है TMT सरिये में वो 56,000 रुपए चल रहा है। जय भारत कंपनी कीमतें 59,400 रुपए बाजारों में चल रही हैं। शेर पंजाब कंपनी का जो रेट आप देख सकते हैं वो 63,211 रुपए बाजारों में देखा जा रहा है। और अंबा कंपनी के बारे में अगर बात करी जाए 59,800 रुपए। मार्केट के उतार चढ़ाव की जानकारी और मार्केट का ट्रेंड जानने के लिए जुड़े सुबह 9:30 बजे लाइव न्यूज मार्केट 24 पर अजय सिंह के साथ। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अभी ज्वाइन करें। 800 रुपए अंबा कंपनी कीमतें बाजारों में देखी जा रही हैं। अब इसके अलावा अगर बात करी जाए इंगट और स्क्रैप के बारे में, तो इस पूरे हफ्ते बाजारों में तेजी के साथ रिकवरी के साथ बाजारों में कारोबार देखा गया है, लेकिन आज वीकेंड है, हफ्ते का आखिरी दिन है, तो आज सुबह बाजार खुलने के साथ ऊपरी स्तर से प्रॉफिट बुकिंग इंगट में देखी गई, जिसकी वजह से जो 51,000 के करीब का लेवल चल रहा था वहां से बाजारों में गिरावट दर्ज करी गई। हल्की फुल्की नरमी बाजारों में आई है और नरमी आने के बाद हमें सिंगट का मंडी गोविंदगढ़ में जो रेट चल रहा है वो 50,600 रुपए देखा जा रहा है, जिसमें 200 रुपए तक की गिरावट दर्ज करी गई है। और MS स्क्रैप के बारे में अगर बात करते हैं, 40,000 रुपए MS स्क्रैप का लेवल बाजारों में आप देख कर चल सकते हैं। तो प्रॉफिट बुकिंग की वजह से ही जो गिरावट है वो गिरावट देखी गई है, लेकिन ज्यादा गिरावट आने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। आने वाले समय में एक अच्छी डिमांड आपको बाजारों में देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से इंगट का जो लेवल है वो दोबारा से 51,000 के पार भी पहुंच सकता है। और अगर इंगट का लेवल बाजारों में आगे बढ़ता है तो आपको आने वाले समय में TMT सरिये की कीमतों में भी रिकवरी देखने को जरूर मिलेगी। ओवरऑल ट्रेंड के बारे में बात करी जाए, आज के लिए जो ट्रेंड है वो फिलहाल के लिए नेगेटिव नजर आ रहा है। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। अगर आज की खबरें आपके लिए उसमें हो तो लाइक जरूर कीजिए और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज मार्केट 24।